रात्रि भोर एक ग्रामीण चूहा शहरी चूहे का चचेरा भाई था। एक दिन शहरी चूहा उससे मिलने गांव आया। ग्रामीण चूहे ने उसके सामने खाने के लिए बेर, जड़ें और गेहूं के दाने रखे। उन्हें देखकर शहरी चूहा मुंह बनाते हुए बोला, कितना बेकार खाना है, इस खाने में तो कोई स्वाद नहीं है। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें शानदार भोजन खिलाऊंगा। ग्रामीण चूहा शहरी चूहे के साथ शहर आ गया। शहरी चूहा किसी घर की दीवार में एक बिल बनाकर रहता था। शहरी चूहे ने ग्रामीण चूहे के सामने सचमुच शानदार भोजन परोसा। खाने में पनीर, डबल रोटी, शहद, खजूर, अंजीर तथा मेवे थे। शहरी चूहा भी साथ बैठकर भोजन करने लगा। उसने ग्रामीण भाई से बिना आवाज किए धीरे धीरे खाने को कहा। वह बोला, से बोलेंगे तो आसपास घूमती बिल्ली हमें पकड़ लेगी। कुछ देर बाद बिल्ली की आवाज आसपास ही सुनाई पड़ी। पूरे समय शहरी चूहा बिल्ली से डरता हुआ भोजन कर रहा था। भोजन समाप्त होने के बाद ग्रामीण चूहा शहरी चूहे से बोला, भाई मैं तो अपने गांव के खेतों में वापस जाना चाहता हूँ। कम से कम वहाँ खुली हवा में बिना बिल्ली के डर के अपना साधारण खाना आराम से तो खा सकूंगा, हैं? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धन हमेशा हर सुख नहीं देता।